बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई है। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, अर्थात वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं या एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, उन्हें हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, अपनी इस क्लास में हम लोग कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पर्यायवाची शब्द है स्वर्ग। स्वर्ग के पर्यायवाची हैं मित्रों नाकः, सुरलोकः, देवलोकः। तो हम लोग स्वर्ग को नाकः भी कह सकते हैं, सुरलोकः भी कह सकते हैं, देवलोकः भी कह सकते हैं। और हमारा दूसरा शब्द है देवता। अब देवता के लिए और कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं वो देखते हैं। देवः, सुरः, आदित्यः। देवता के पर्यायवाची शब्द क्या है? देवः, सुरः, आदित्यः। हमारा तीसरा शब्द है असुरः। असुर, असुर के पर्यायवाची शब्द है बच्चों दैत्यः, दानवः, राक्षसः। असुर को हम लोग दैत्य भी कह सकते हैं, दानवा भी कहते हैं, राक्षसा भी कहते हैं। हमारा चौथा शब्द है ब्रह्मा। ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं आत्मभू, सूर्यज्येष्ठः, पितामह। ये सारे शब्द जो ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग होते हैं, आत्मभू, सूर्यज्येष्ठः, पितामह। शब्द है हमारा विष्णु। विष्णु के लिए और कौन से शब्द प्रयोग होते हैं बच्चों? नारायण, गोविंदः, दामोदरः। ये सब विष्णु जी के ही नाम हैं, यानी कि ये विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला शब्द है हमारा कामदेव। कामदेव, कामदेव के लिए बच्चों और कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? देखिए, मदना, मनमथा, कंदर्पः। मदना, मनमथा, कंदर्पः, ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। अगला हमारा शब्द बच्चों लक्ष्मी। लक्ष्मी जी के लिए और कौन कौन से नाम प्रयोग होते हैं बच्चों? पद्मा, कमला, हरिप्रिया, ये लक्ष्मी जी के नाम हैं अन्य, और ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों, हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है गरुणा। गरुणा के पर्याय हैं वैनतेयः, खगेश्वरः, नागंतकः। तो गरुण को क्या क्या कहते हैं? वैनतेयः भी कहते हैं, खगेश्वरः भी कहते हैं, नागंतकः भी कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है शिवः। शिव जी को क्या कहते हैं? और पशुपति, शंभु, महेश्वरः। पशुपति, शंभु, महेश्वरः, ये शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है बच्चों पार्वती। पार्वती, पार्वती के लिए उमा, गौरी, भवानी आदि शब्दों का प्रयोग होता है, और ये पर्यायवाची शब्द हैं पार्वती के, उमा, गौरी, भवानी। अगला शब्द है बच्चों गणेश। गणेश जी के लिए प्रयोग होते हैं विनायकः, लंबोदरः, गजाननः, ये गणेश जी के अन्य नाम या उनके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है बच्चों इंद्रः। अब इंद्र जी के लिए प्रयोग होते हैं वासवः, पुरंदरः, सुरपति, ये इंद्र जी के अन्य नाम और उनके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है बच्चों नारद। नारद, नारद के लिए प्रयोग होता है भरता, देवला, देवर्षि, नारद को हम लोग भरता, देवला, देवर्षि भी कहते हैं। अगला शब्द है बच्चों अमृत। अमृत, अमृत के लिए प्रयोग होते हैं शब्द पीयूषम, सुधा, अमी, ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है हमारा बच्चों अग्नि, वैश्वानर, जातवेदा, पावका। अग्नि को और क्या कहते हैं? अग्नि को कहते हैं वैश्वानर, जातवेदा, पावका, ये अग्नि के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो बच्चों, आप लोग इन पर्यायवाची शब्दों को अपनी नोटबुक में नोट करिए और इन्हें याद करिए।